आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। अचानक लिया गया यह फैसला इतना भयावह था कि लोगों के हाथ में जमा पूंजी उड़ गई। उनके दुख को कम करने के लिए प्रचार किया गया कि बड़े लोगों का काला धन नष्ट हो रहा है। गरीब और आम लोगों ने राहत की सांस ली कि उनका थोड़ा चला गया तो क्या हुआ, मगर अमीर लोगों का काला धन नष्ट हो रहा है। इस फैसले का बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिला। 2017 के यूपी चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली। नोटबंदी को लेकर जनता को जो तबाही झेलनी पड़ी, उसकी कथा जीत के जश्न में भुला दी गई। सरकार कभी नोटबंदी का जश्न क्यों नहीं मनाती है? मनाएगी तो बताना पड़ेगा कि यह फैसला क्यों लिया गया, नतीजा क्या निकला। भारत के इतिहास में नोटबंदी का फैसला अभी तक एक ऐसे रहस्य की तरह है जिसके बारे में किसी को साफ साफ पता नहीं है। चिदंबरम ने कोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 15.44 लाख करोड़ की मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया, नोटबंदी की गई, केवल 16,000 करोड़ मूल्य की मुद्रा वापस नहीं आई। नोटबंदी के दौरान 0.0027% जाली नोट ही जब्त हुए। यह सब भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है, लेकिन नोटबंदी को सही ठहराने के लिए भूत खड़ा किया गया कि हर किसी के हाथ में जाली नोट पहुंच गया है, इसलिए जरूरी। चिदंबरम ने कहा कि चूहा पकड़ने के लिए पहाड़ गिरा दिया गया। अब तो 2,000 रुपए के जाली नोट पकड़े जाने लगे। 9 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। अदालत भी जानना चाहती है कि क्या सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाते समय सोचा कि इसके परिणाम क्या होंगे। आज देश की मुद्रा व्यवस्था का हाल यह है कि देश में कुल सिक्कों और नोटों की जो मूल्य है, उसमें 500 और 1000 रुपया वाले नोटों का हिस्सा लगभग 80-90% तक पहुंच गया है। देश में कैश का अधिकतम सर्कुलेशन का एक सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार से अर्जित कैश का कारोबार महंगाई पर बड़ा असर पैदा करता है। इसकी मार गरीबों को झेलनी पड़ती है। अभी अभी भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट भी आई है कि नोटबंदी के समय की तुलना में इस समय नकदी मुद्रा चलन में 71% से अधिक की वृद्धि हो गई है। मिंट की रिपोर्ट है कि 21 अक्टूबर 2022 को लोगों के हाथ में जो नकदी थी, उसका मूल्य करीब 31 लाख करोड़ का था। रिजर्व बैंक के डेटा के अनुसार 4 नवंबर 2016 को 17.7 लाख करोड़ की नकदी चलन में थी। यह तब हुआ जब इसी के साथ साथ डिजिटल लेन देन की संख्या भी बहुत बढ़ी है। जाहिर है कैश को खत्म करने का नोटबंदी का मकसद फेल हो गया। नकदी मुद्रा के चलन को काला धन से जोड़ा गया, तो क्या अब माना जाए कि इस समय काला धन का चलन बढ़ गया है? 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा था कि देश में कैश का अत्यधिक सर्कुलेशन का एक सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है। क्या प्रधानमंत्री अब भी इसमें यकीन करते हैं? अगर करते हैं तो बताएं कि कैश का चलन
नोटबंदी के समय से 71% कैसे बढ़ गया, इसका संबंध भ्रष्टाचार से है या नहीं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है कि 2020 में कुल नोटों की मूल्य में 500 के नोटों का चलन 60.8% था, जो 2022 में बढ़कर 73.3% हो गया। आपने अभी सुना कि प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कुल सिक्कों और नोटों के मूल्य में 500 और 1000 रुपए वाले नोटों का हिस्सा लगभग 80-90% तक पहुंच गया है। देश में कैश का अत्यधिक सर्कुलेशन का एक सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है। तो अब क्या फर्क आया है? अब भी तो उतना ही चलन में है जितना पहले था। बड़े नोटों की हिस्सेदारी करीब करीब उतनी ही है। 8 नवंबर को यही बताया गया कि नोटबंदी का मकसद है काला धन समाप्त करना, भ्रष्टाचार मिटाना और जाली नोटों का चलन खत्म करना। उस समय भी जाली नोटों के प्रतिशत को चुनौती दी गई कि क्या इतने नोट जाली हैं जिसका भूत खड़ा किया गया, और जाली नोट तो अभी पकड़े जा रहे हैं। इसकी रिपोर्ट तो समय समय पर आती ही रहती है। यह खबर इसी 4 अक्टूबर की है, हिंदुस्तान अखबार में छपी है। गुजरात के सूरत में मुंबई और गुजरात पुलिस ने 317 करोड़ रुपए के जाली नोट बरामद किए। जाली नोट अभी भी पकड़े जा रहे हैं। इसी साल मई में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई कि 500 के जाली नोटों की संख्या में 102% की वृद्धि हुई है। 2000 के जाली नोटों की संख्या में 55% की वृद्धि हुई है। ये सारी खबरें इस साल की हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 2000 के नोटों के चलन में कमी आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि 31 मार्च 2022 तक जितने भी नोटों का मूल्य चलन में है उसका 87.1% हिस्सा 500 और 2000 के नोटों का है। यह भी 31 मार्च 2021 की तुलना में बढ़ गया है, तब 85.7% था। क्या ये बहुत बड़ी कमी है? जाली नोटों के बाद भ्रष्टाचार पर आते हैं। ऐसे करोड़ों भारतवासी जिनके रग रग में ईमानदारी दौड़ती है, उनका मानना है कि भ्रष्टाचार, काले धन, बेनामी संपत्ति, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। अतः भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम लोग थोड़ी सी कठिनाई, वह भी कुछ दिनों के लिए, तो जेल ही सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि देश का प्रत्येक नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ शुचिता के इस महायज्ञ में एक जुट होकर के, मिलकर के खड़ा होगा। भ्रष्टाचार से लड़ाई के नाम पर आम लोगों पर यह फैसला थोपा गया। आम लोगों को लाइन में लगा दिया गया, उनकी जमा पूंजी नष्ट हो गई। महिलाओं के पास जो अपने पैसे थे वो पुरुषों ने ले लिए और नष्ट भी हो गए। सदमे से कितने लोगों की जानें चली गईं। भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग विपक्षी राज्यों में ही होती है। जांच एजेंसियां विपक्षी राज्यों में ही सक्रिय नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार वाकई मिट गया है, वहां ईमानदारी की गंगा बहने लगी है, वहां की राजनीति और चुनावों से धन बल का प्रकोप मिट गया है। बस विपक्षी राज्यों में दूर करना बाकी रह गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डेटा कहता है कि भ्रष्टाचार की धारणा को लेकर भारत की रैंकिंग खराब ही हो रही है। 2016 में भारत 79वें स्थान पर था, 2021 में यानी नोटबंदी के 5 साल बाद भारत का स्थान 85वां हो गया। अगर नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ होता तो इसके 5 साल बाद आजादी के 75वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से लड़ने का आह्वान नहीं करना पड़ता। प्रधानमंत्री ने देश को नहीं बताया कि नोटबंदी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई थी तो उसका नतीजा क्या निकला। क्यों उन्हें इस साल 15 अगस्त के दिन कहना पड़ा कि भारत की दो बड़ी चुनौतियां हैं जिसमें से भ्रष्टाचार एक है। कहते हैं कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खा रहा है, लेकिन क्या उन्हें याद नहीं कि इस दीमक को तो नोटबंदी से ही मिट जाना था। प्रधानमंत्री 15 अगस्त के भाषण में कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। शब्दों पर गौर कीजिए, क्या प्रधानमंत्री को याद नहीं कि नोटबंदी को भी उन्होंने निर्णायक लड़ाई कहा था? तो फिर क्या हुआ? हम इस 15 अगस्त के भाषणों का छोटा सा अंश दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि भ्रष्टाचार तो नहीं मिटा, भाषण भी नहीं बदला है। आइयो बहनों,
अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे इस मिजाज के साथ। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं।